और लेबनान में आईडीएफ की बमबारी का नया वीडियो सामने आया है। हमले में हिजबुल्ला के रॉकेट लॉन्च पैड ध्वस्त हो गए हैं। तो लेबनान में आईडीएफ की बमबारी हुई है और उसका नया वीडियो आपको दिखाएंगे। देखिए, यही वो वीडियो है जिसमें जोरदार धमाका हुआ है, बम बरसाए गए हैं लेबनान में। और वही कुर्स में रूस के भीषण हमलों के बावजूद यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूक्रेनी सेना डटी हुई है। रूस का यह दावा है कि यूक्रेन कुर्स के पावर प्लांट पर हमले की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी ओर यूक्रेन का एक परमाणु ऊर्जा प्लांट ड्रोन हमले की चपेट में आने से बच गया। आईएईए ने रूस को चेतावनी दी है कि उसे ज़ापोरिज़्या प्लांट को तुरंत खाली कर देना चाहिए और प्लांट को यूक्रेन के हवाले कर देना चाहिए। युद्ध के बीच कई बार कुर्स्क और ज़ापोरिज़्या से रेडिएशन का अंदेशा जताया गया है, लेकिन अब रूस और यूक्रेन की सेना के रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। कुर्स्क में रूस के भीषण हमले जारी हैं। रूस की वायुसेना के विमान चुन चुन कर यूक्रेनी ठिकानों को भस्म कर रहे हैं। यूक्रेनी फौज के वाहनों को भी खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुर्स्क में घुसपैठ का बदला लेने के लिए यूक्रेन के कई शहरों पर भी प्रहार हो रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच बार बार जंग की आंच न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच रही है और दहशत बढ़ रही है। रूस ने बीती रात यूक्रेन के खमेलनित्स्की पर हमला किया। खमेलनित्स्की में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस का एक ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब से गुजरा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस जानबूझकर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ आईएईए ने कहा है कि रूस को ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से सैनिकों को हटा देना चाहिए और प्लांट की कमान यूक्रेन को सौंप दी जाए। आईएईए ने चेतावनी जारी की है और यूक्रेन को अपने पावर प्लांट को सुरक्षित बनाने के लिए कहा है। ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट में कई धमाके हो चुके हैं। पिछले दिनों पावर प्लांट में आग लग गई थी। ज़ापोरिज़्या प्लांट में बिजली सप्लाई भी रुक गई थी। लेकिन रूस ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट को इस वक्त खाली नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सेना कुर्स्क में है और रूस का दावा है कि कुर्स्क पावर प्लांट पर कई बार हमले की कोशिश हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना कुर्स्क के कोर्चातोव परमाणु प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले की कोशिश कर चुकी है। माना जा रहा है कि कुर्स्क में रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट के जरिए यूक्रेन और नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। रूस के सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं। फरवरी 2022 के बाद से पावर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क मिशन के बाद से रूस ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट में धमाके की कोशिश में है। रूस अपना बदला लेने के लिए ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क से बाहर नहीं निकाली जा सकी है। कुर्चातोव परमाणु प्लांट पर कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। कुर्चातोव रूस के तीन बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ज़ापोरिज़्या से रेडिएशन के खतरे को देखते हुए यूरोप में दहशत है, लेकिन रूस यूक्रेन को कसूरवार ठहरा रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन रेडिएशन का भय दिखाकर नेटो को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल करना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन को कुर्स से सैनिक वापस बुलाने के लिए मजबूर करना चाहता है। ज़ापोरिज़्या की आग से अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनेगा। नेटो यूक्रेन को कुर्स से सैनिक हटाने का आदेश दे सकता है। हालांकि कुर्स का कोर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट, खतरा दोनों से बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।